दीपक वाजपेयी जी, क्या यही वो मैनेजमेंट है जो जिससे बीजेपी सभी पार्टियों से आगे निकल जाती है? आप देखिए, समाजवादी पार्टी से संख्या कम है उनके समर्थित सदस्यों की, लेकिन अध्यक्ष में तो कोई तुलना ही नहीं है। ये लोकतंत्र को प्यार करने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो हो, आप हो, मैं हूं या जो भी हो, उसके लिए बड़ी चिंता का विषय है। मैं, आपने जो सवाल किया उसमें खुद ही इसका जवाब छिपा हुआ है। आप कह रहे हैं 842 सदस्य समाजवादी पार्टी के थे, 603 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते। मैं उस दिन की अमर उजाला की खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं, इस एक पैराग्राफ में आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। प्रदेश विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले सत्ताधारी दल भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। वो कुल 3050 सीटों में हुए चुनाव पर भाजपा को महज 543 सीटों पर जीत या बढ़त मिली है, वहीं सपा 699 सीटों पर जीत या बढ़त बनाए हुए। 75 जिलों सर, के हम सब ने पढ़ा है। 13 में ये हम सब भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक को क्रॉस कर पाई है। तो उस पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, उस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें बीजेपी हमेशा आगे निकल जाती दूसरी पार्टियों से। गौरव, ये सवाल नहीं, सवाल ये है गौरव जी कि 21 जिलों में निर्विरोध आप चुने गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जनता ने वोट दिया और आपको हराया, और सदस्यों के वोट से जोड़ तोड़, मारपीट, झगड़ा फसाद, अपराधियों का इस्तेमाल करके आपने उन सदस्यों के जरिए चुनाव जीत लिया। आपको 9 महीने पहले देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव हराया। दीपक जी, आपने बड़ा मासूम सा सवाल उठाया। जरा पिछला चुनाव देखिए, जब समाजवादी पार्टी के 30 से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुनकर आए थे, तब ये थ्योरी वहां पर लागू नहीं होती थी? जब पिछली बार 65 आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जिसमें से 30 से ज्यादा निर्विरोध चुनकर आए। सुनिए, ये जहां कहीं पे भी, एक मिनट सुनिए, जहां पर भी जनता की दिए हुए नतीजे के इर्द गिर्द आपका ये जो निर्विरोध चुनाव हुआ है वो नहीं आता। डायरेक्ट इलेक्शन में आप चुनाव हार के अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन में जीतते हैं, चाहे पंजाब में हो, चाहे यहां पर हो, चाहे साधना जी कुछ कहना चाह रही हैं। साधना जी का रिएक्शन लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आता हूं अनिला जी आपके पास, अभिषेक के पास भी जाऊंगा। साधना जी, मैं आ रहा हूं मनोज जी। साधना जी, छोटा सा रिएक्शन, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने अभी खुद कहा कि पहले सपा को 30 से ज्यादा निर्विरोध चुनेगा और अच्छी जीत हासिल हुई, लेकिन 2017 में क्या हुआ? जैसे 2017 में सपा को बहुमत नहीं मिला, वैसे ही ये ट्रेंड चलता आया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव जीत लेते हैं उसके बाद अगर सरकार में है तो चलिए। आपने बड़ा एक अच्छा डेटा दिया, वैसे ही डेटा मेरे पास भी था, मैं इस पर सवाल लेकर आने वाला था, लेकिन चलिए साधना जी आपने बड़ा अच्छा डेटा दे दिया। मैं अभिषेक के पास जाऊंगा लखनऊ से। अभिषेक, मैं आ रहा हूं साधना जी। अभिषेक, क्या ये माने जो बात साधना कह रही है, जिला पंचायत चुनाव से आप विधानसभा चुनावों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2017 में भी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, कुछ ऐसे ही आंकड़े थे, लेकिन अगर देखें नंबर उनके विधानसभा की सीटों के तो 50 तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल, देखिए ये एकदम सटीक बात उन्होंने कही है और ये फैक्ट है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। जिला पंचायत का चुनाव जो समाजवादी पार्टी के दौर में हुआ था, तो उनके जो निर्विरोध चुने गए थे वो बीजेपी से, जो इस बार बीजेपी के चुने गए उससे कहीं ज्यादा संख्या है, लेकिन 2017 में नतीजे पलट गए। तो इसीलिए जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो दीपक वाजपेयी बात कर रहे थे, वो फैक्ट है कि डायरेक्ट इलेक्शन की तुलना आप इस इनडायरेक्ट इलेक्शन से नहीं कर सकते हैं। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में बहुत सारे अन्य कारण भी आते हैं, जिसमें कि जिसकी लगातार शिकायतें हुई हैं, लगातार आरोप हुए लगे हैं, इस चुनाव में भी आरोप लगे हैं कि डराने, धमकाने, किडनैपिंग करने, तमाम सारे आरोप लगे हैं, और ये आरोप हर पार्टी लगाती थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी ऐसे आरोप लगाती थी, आज सपा ऐसे आरोप लगा रही है। तो इसका ये, इसमें दो राय नहीं कि इसको आप जनादेश से नहीं तुलना कर सकते हैं कि ये कोई जनादेश हो गया, ये कोई जनता की राय हो गई। बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।